में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। देखा जा रहा है कि देवनारायण में राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस गणतंत्र दिवस पर पूरी तरीके से कोरोना का पालन करते हुए यह ध्वजारोहण किया गया। लेकिन इसमें एक बड़ी बात जो सामने आ रही है कि इसमें बालिका या छात्र छात्राओं को और नागरिकों को सम्मिलित नहीं किया गया। तो जानते हैं कि किस तरीके से यह ध्वजारोहण किया और किस तरीके से यह कार्यक्रम पूरा सम्पन्न हुआ, देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। स्थानीय विद्यालय देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर में 73वें गणतंत्र दिवस को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए गरिमामयी तरीके से मनाया गया। सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रम में छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। झंडारोहण संस्था प्रधान डॉक्टर शकुंतला मीना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की भामाशाहों और उत्कृष्ट कार्मिकों का भी सम्मान किया गया। विद्यालय में करीब 1,00,000 की लागत से मैदान के समतलीकरण और विद्यालय परिसर की साफ सफाई हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच सागर सिंह मीणा का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भामाशाह गब्बर सिंह गुर्जर ने विद्यालय हेतु डी फ्रीजर, शिवहरी गुर्जर ने 12th की टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और सुनील धाना ने LED डिस्प्ले बोर्ड देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान ग्रामवासियों और स्टाफ सदस्यों ने विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर शकुंतला मीना को विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने की खुशी में शॉल उड़ाकर बधाई दी। कार्यक्रम में व्याख्याता आनंद बाबू बघेल, गोपाल लाल बुनकर, बसंती लाल मीना, नत्थू सिंह राजपूत, चंद्रमोहन गैरा, डॉक्टर मधु जैन, जितेंद्र गुर्जर और चंद्रमोहन मल्होत्रा मौजूद रहे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।